जिस इंसान के जीवन में धन या पैसों की कमी होती है वो हमेशा ही कई परेशानियों का सामना करता है। बता दें कि प्राचीन काल से धन का महत्व काफी अधिक बताया गया है और धन संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा की भी आवश्यकता होती है। ऐसे तो हर कोई चाहता है कि महंगाई भरी इस जिंदगी में उसको आराम मिले, गाड़ी बंगला खुद के मकान हो, दुकान का सपना हर कोई समझौता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपने को साकार कर पाते हैं। यहाँ तक कि जीवन की परेशानियों को इतनी आसानी से नहीं झेल पाते हैं और इतनी बढ़ जाती हैं परेशानियाँ कि आपका पर्स तक खाली हो जाता है और इंसान तंगहाली से गुजरने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें। इससे आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लक्ष्मी पूजा में उपयोग किया गया चावल, आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार पैसों से संबंधित समस्या से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी भी आवश्यक होती है। माना गया है कि चावल शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है, यही कारण है कि किसी भी पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को तिलक करने के बाद चावल भी चढ़ाए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान चढ़ाए गए चावल बहुत ही विशेष होते हैं। माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गए चावलों के 21 दाने एक कागज की पुड़िया बनाकर अपने पर्स में रख लें। इससे आपको शुक्र ग्रह तथा माता लक्ष्मी से संबंधित सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। पीपल का पत्ता, माना जाता है कि पीपल के पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एक पीपल के पत्ते को गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें। अब इस पर केशर से श्री लिखें और इसे अपने पर्स में चुपचाप ऐसी जगह रखें जहां किसी की भी नजर ना पड़े। नियमित अंतराल पर ये पत्ते बदलते रहते हैं। किन्नर का दिया हुआ सिक्का, कहा जाता है कि किन्नर को दिया गया दान अक्षय पूर्ण प्रदान करता है और इतना ही नहीं, इनकी दुआएं व्यक्ति को किसी भी तरह की विपत्ति से बचा लेती हैं। इसलिए माना गया है कि अगर आपको पैसों से संबंधित परेशानी है तो आप किसी भी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का वापस ले लें। यदि किन्नर अपनी खुशी से आपको सिक्का दे दे तो आप उसे एक हरे कपड़े में लपेटें और अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी समस्या दूर हो जाती है। पर्स और चाबी को टेबल पर ना रखें। अपने पर्स और चाबी को कभी भी टेबल पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पैसों की तंगी हो जाती है, इसलिए इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। ये सुरक्षा की दृष्टि से तो सही होता है तथा शास्त्रों के अनुसार भी सही रहता है। गुरु की तस्वीर, अपने किसी गुरु को मानने वाले लोग पर्स में अपने गुरु की फोटो रख सकते हैं। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आपको धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। माना जाता है कि गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आपका खराब समय भी राहत और आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आपको धन से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।